रैली को संबोधित करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब ये भरोसा पुलिस कर्मियों को दिया कि अगर सरकार बनती है बीएसपी की तो जो पुलिस कर्मी अवकाश नहीं ले पाते हैं उनको कैश में भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी, और साथ ही ये भी कहा कि बॉर्डर स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। तो छुट्टी के दौरान पुलिसकर्मी जो अवकाश नहीं ले पाते हैं उसको लेकर मायावती ने कहा कि उनको कैश में देने की भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी, और साथ ही ये भी कहा कि सरकार बनने पर बॉर्डर स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव होने से कुछ समय पहले तत्कालीन डीजीपी द्वारा मुझे बताए बिना ही खुद ही आदेश जारी करके या पुलिस कर्मियों को बॉर्डर स्कीम के तहत उनको होम रेंज से दूसरे रेंज के जिलों में तैनात कर दिया गया था। लेकिन जब ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो मुझे लगा कि ये फैसला उचित नहीं है, जिसे अब सरकार बनने पर इनकी इस बॉर्डर स्कीम को खत्म कर दिया। पुलिस विभाग के कर्मचारी अपनी ड्यूटी के चलते अक्सर अपने अनुमन्य अवकाश का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए पांच सरकार बनने पर पुलिस कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण की सुविधा को भी पुनः बहाल कर दिया जाएगा।